रिसेंटली ही आपके बिटसेट 2023 के जो कट ऑफ है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट bitsadmission.com पे जो है रिलीज हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी अभी जो है आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे स्पेशल फोकस इस चीज पे है कि क्या आपका जो है इस साल कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चीज तो मेरे हिसाब से आपने समझ गए होंगे कि 2023 में कट ऑफ जो है वो आपके यहाँ पे चेंज हुए, तो इसका इम्पैक्ट आपके 2024 पे क्या रह सकता है, और अगर पिछले सालों के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो ब्रांच आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए, सब चीजें इस वीडियो में आपके लिए कवर अप होगी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट के प्रिपरेशन को लेकर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो यहाँ पे हमारी टीम ने आपके लिए जो है बिटसेट क्रैश कोर्स बैच 2 को लॉन्च किया है। ये कोर्स जो है ये आपके यहाँ पे बिटसेट 2024 की प्रिपरेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, जिसके अंदर आपको DPBs मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब कि हर एक वो रिसोर्स है जो कि आपको बिटसेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करे। तो बाकी यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिख रहा है, इसके थ्रू आप जो है इस कोर्स में यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको इस कोर्स पे 1200 rupees ऑफ का जो है डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा, तो वो जो कूपन कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम तक है, तो आप जल्द से जल्द जो है इस कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें आपके 2022 के कट ऑफ और 2023 के कट ऑफ, और ये सभी जो है आपका ऑफिशियली वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है, ऐसा नहीं कि हम कुछ कट ऑफ अपने तरफ से प्रेडिक्ट कर रहे, तो अगर सिंपल सा कंपैरिजन अपन जो है सीएस ब्रांच के लिए करते हैं, क्योंकि भाई सीएस ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे 2022 में ये देखा गया था पिलानी कैंपस के लिए 320 मार्क्स पे जो है आपको सीएस मिल रहा था, मतलब मिनिमम ये स्कोर की रिक्वायरमेंट थी तभी जाके आपको सीएस मिल सकता था। 2023 में क्या हुआ, पिलानी के लिए जो है आपको 331 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी तब जाके आपको जो है सीएस मिल पाता, मतलब एक डिफरेंस देखने को मिल गया 11 नंबर का। तो भाई एक इतनी ज्यादा जो मतलब पसंदीदा ब्रांच है स्टूडेंट्स के अमंग, उसमें अगर 11 मार्क्स का यहाँ पे जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर गोवा के लिए बात कर ले तो वहां पे आपको 286 का स्कोर देखने को मिला था जो कि बढ़ के हो गया आपका 295। हैदराबाद में बात करें तो 279 था जो कि बढ़ के हो गया आपका 286। अब ये तो अपन ने सीएस ब्रांच के लिए बात करी, अगर हम बात करें यहाँ पे कि मिनिमम मार्क्स जिसके थ्रू आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए, किसी भी कैंपस में मिल जाए एक्सेप्ट बी फार्मा, तो यहाँ पे ये चीज देखी गई थी 2022 में कि 167 मार्क्स पे जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिविल मिल रही थी। ठीक है, तो पिलानी कैंपस में मतलब अगर आपको जो है सिर्फ एडमिशन चाहिए, आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, बस किसी तरीके से पिलानी कैंपस मिल जाए, तो 167 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 212 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, और इस बार जो है लीस्ट प्रेफर्ड स्टूडेंट्स ने जो है एमएससी बायो को करा। ठीक है, मतलब 213 कुछ पे जो है शायद सिविल बंद हुई थी। अब यहाँ पे गोवा की अगर बात कर ले तो 163 पे जो है आपको एमएससी केमिस्ट्री मिल रही थी आखिरी, और यहाँ पे 204 पे जो है एमएससी बायो मिल रही थी। तो थोड़ा सा जो है ब्रांचेस में भी डिफरेंस आ रहा है ना, कि सबसे कम स्कोर पे कौन सी ब्रांच मिल रही थी। फिर 158 पे जो है यहाँ पे सिविल और एमएससी बायो मिल रहा था जो कि बढ़ के हो गया 204। तो देख रहे हो यार कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो है सिविल और एमएससी बायो मिल रही थी। तो लोअर ब्रांचेस में आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है मिनिमम मार्क्स और सीएस के लिए जो है बात कर ली। अब अगर हर एक ब्रांच का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि भाई कितना ज्यादा जो है डिफरेंस यहाँ पे आया है। तो देखो पिलानी कैंपस में 2023 में आपका जो है ये स्कोर देखने को मिल रहे थे जिसपे आपको आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच मिल रही थी। 2022 में ये स्कोर पे जो है आपको ये ब्रांचेस मिल रही थी, डिफरेंस देखो। केमिकल के लिए बात करें तो भाई 33 पे, सिविल में देखो तो भाई 46 का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 मार्क्स का, मैकेनिकल में 21 एंड सो ऑन। सीएस में हमने जैसा कि बात करी थी 11 नंबर का। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला। अब यार एक चीज समझने वाली ये है कि भलाई ये सिर्फ 11 नंबर हो, लेकिन यार ये चीज समझो ना, कोई एक स्टूडेंट के लिए 100 से 200 तक पहुंचना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे कम स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है ना, तो और भाई पेपर में 100 से 200 में यार कर सकते हो यार, सेक्शंस ऐसे रहते, किसी ने एलआर इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये जंप मार सकता है। लेकिन अब कोई कहे कि भाई 300 से जो है आपको 320 या 330 तक पहुंचना है, ये वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे हो, क्योंकि पहले तो 300 का बैरियर क्रॉस करना ही मुश्किल रहता है, इसलिए ये 11 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है सारी ब्रांचेस के यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा गोवा कैंपस पे नजर डाल ले
तो भाई गोवा कैंपस में भी जो है इंक्रीज अच्छा खासा ही देखने को मिला। यहाँ पे 44 मार्क्स का था आपकी केमिकल ब्रांच के लिए, फिर आपकी मैकेनिकल के लिए बात करें तो 32 का था, एमएससी बायो की बात करें 40 का था, एमएससी केमिस्ट्री की 42 का था। लोअर ब्रांचेस में तो भाई कट ऑफ कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है हमें, है ना, अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। बाकी जो आपकी थोड़ी सी एलीट ब्रांचेस थी या फिर हम कह सकते हैं सीएस और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस, उनमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन वो आप समझ रहे हो ना, वो कम मार्क्स भी जो है इंपॉर्टेंट है, वो जो गैप है उसको कवर करना इतना ईजी नहीं होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हैदराबाद पे भी आप नजर डाल ले तो ये जो है आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां पे भी आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो कि भाई कितना इंक्रीज जो है देखने को मिला है और आप क्या जो है अपना स्कोर लेते हुए चल सकते हो 2024 के लिए। चलो अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस चीज का। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि भाई जो ड्यूअल और आपकी कोर ब्रांचेस है, कोर ब्रांचेस मैकेनिकल केमिकल सिविल ये सब हो गई, तो इसमें जो राइज है आपका कट ऑफ का वो 40 से 45 मार्क्स तक का भी गया है। स्पेशली आपकी जो यहाँ पे लोअर ब्रांचेस थी है ना, बायोलॉजिकल साइंसेस में अपन ने देखा, बाकी मैकेनिकल में हो सकता है यहाँ पे 35-38 का ही देखने को मिले। तो इस तरीके से मतलब यार इतने स्कोर तक लगभग जो है हमें देखने को मिल गए भाई कट ऑफ आपके यहाँ पे बढ़े। और अगर सीएस और इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांचेस की बात करें तो वहां पे थोड़ा कम देखने को मिला, 15-20 मार्क्स का ही जो है राइज देखने को मिला सीएस में और थोड़ा कम, बाकी एक एवरेज जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो है इससे यार आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर जो है आप यहाँ पे लोअर ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो एकदम ऐसे सेफर साइड नहीं रह सकते हो कि हमने इतना स्कोर लिया है तो उससे हमें ब्रांच मिल जाएगी। हो सकता है भाई स्टूडेंट्स के बीच में जो है यहाँ पे कैंपस को पाने की चाहत बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ से थोड़ा सा और एनालिसिस से यही चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा यहाँ पे राइज हुआ है ना कट ऑफ के अंदर, इस वजह से स्टूडेंट्स जो है बिट्स में पढ़ने का मौका छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर उनको जो है उसके मुकाबले उससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है, जैसे कि अगर आप टॉप 7 आईआईटीज की बात कर लो या फिर टॉप 3 टॉप 5 एनआईटीज की बात कर लो, अगर वो नहीं मिल रहा है, उनकी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही है, तो भाई वो बिट्स में पढ़ लेंगे। तो ये चीज दिख रही है क्योंकि भाई बिट्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लगातार जो आपके यहाँ पे एवरेज है प्लेसमेंट्स का, मीडियम पैकेज है, वो लगातार बढ़ रहा है हर साल। तो स्टूडेंट्स जो है कभी भी ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहे, तो भाई कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है 2024 में भी कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा। और यहाँ पे जो है सीएस और सर्किटर ब्रांचेस के लिए तो और ज्यादा भाई दौड़ लगी है, वो 11 नंबर भी भाई पाना जो है ना मुश्किल रहता है, या फिर दूसरे भी अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस की बात करें तो 20-20 नंबर वहां भी इंक्रीज देखने को मिला है, तो मुश्किल रह रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या सेफ स्कोर लेते हुए चलना चाहिए आपके 2024 के लिए, उस पर अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 220 प्लस का जो है आप यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल सकते हो, कोई भी एक ब्रांच अगर आपको मिल जाए बिट्स के लिए। क्योंकि देखिए 220 प्लस मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे लोअर ब्रांचेस के लिए आपका 40 से 45 का इंक्रीज हुआ तो अभी जैसे कि हमने जो है मिनिमम देखा कि ये आपका 205-206 के आसपास गया तो उसमें 40 नंबर ऐड करो, ऐसे नहीं चलती यार चीजें। अब वो क्या है, कट ऑफ बहुत ज्यादा ही गिर गया था आपका 2022 में, तो इसलिए उतना ज्यादा राइज देखने को मिला। इस बार कट ऑफ आ गया नॉर्मल के आसपास, तो हो सकता है उतना ज्यादा नहीं देखने को मिले और शायद हो सकता है 2-3 नंबर ही ऊपर बढ़े। लेकिन मैं आपको सेफ साइड के लिए एक स्कोर बताना चाहता हूं कि भाई 220 दिमाग में सेट कर लो कि कम से कम इस पे जो है आपको कोई ना कोई कैंपस में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। फिर अगर सीएस का टारगेट लेते हुए चल रहे हो तो 340 का मेरे हिसाब से आपके लिए सेफर साइड पे रहेगा, हो सकता है इतना भी नहीं बढ़े क्योंकि यार 10 नंबर का इंक्रीज अब 330 से बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पर क्या है, एक सेफ साइड के लिए लेते हुए चलोगे तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बस किसी भी हालत में सीएस चाहिए तो उनके लिए ये टारगेट जो है सेफर साइड पे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप जो है अपनी तैयारी को यहाँ पे अच्छे से करना चाहते हो तो इस हिसाब से आपको स्कोर लेते हुए चलना चाहिए। बाकी यार रिसोर्सेस हम लगातार चैनल पे आपको गाइड कर ही रहे, ठीक है ना, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जहां पे LRN इंग्लिश का स्पेसिफिक कोर्स है, या फिर अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अब एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर जरूर लिखिएगा कि बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप कितना स्कोर जो है टारगेट लेते हुए चल रहे हो। और ये चीज मैं क्यों लिखवाता हूं, ताकि आप जो है उस टारगेट को भूलो नहीं, हर बार उस चीज को कमेंट करो कि भाई गलती से अगर मैं जो है थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था अपने गोल से तो अब नहीं होऊंगा, उस टारगेट को किसी भी हाल में जो है आपको अचीव करना है। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।